नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुलायम सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने कार सेवकों की मौत पर अफसोस जाहिर किया है। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या कारण है कि मुलायम सिंह यादव को अफसोस जाहिर करने के लिए 25 साल लग गए? कारण यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव सिर पर है और समाजवादी पार्टी की जो सरकार है वो बची रहेगी कि नहीं रहेगी, ये सबसे बड़ी चिंता है मुलायम सिंह यादव की। भले ही अखिलेश यादव जो है वो नाम के लिए मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पीछे से जो सारा सत्ता संचालन है वो मुलायम सिंह यादव ही करते रहे हैं, ये हम सभी को बेहतर पता है। नेताजी के नाम से मशहूर मुलायम सिंह यादव जो है, इनकी राजनीति और इनकी राजनीतिक सोच ही है जो लगातार समाजवादी पार्टी को जिंदा रखकर इस तरीके से अभी सत्ता में बनाए हुए है। और हमने देखा कि जिस तरीके से तमिलनाडु में चलन आ गया था कि अन्ना द्रमुक और द्रमुक के बीच में सत्ता का परिवर्तन लगातार होता रहा, उसी तरह उत्तर प्रदेश में कुछ चलन सा हो गया था कि बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी, फिर उसके राज्य से नाराज होकर लोग समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। फिर अब इसमें तीसरा एक बड़ा जो परिवर्तन है और जो बड़ा फैक्टर इसमें जुड़ गया है वो है भारतीय जनता पार्टी का। लोकसभा के चुनाव में 73 सीटें जीतने वाली, जिसके लिए कि खुद अमित शाह जो कैंपेन के प्रमुख थे और उत्तर प्रदेश में डेरा डाले हुए थे लोकसभा चुनाव के दौरान, वो 55 सीटों की उम्मीद कर रहे थे उत्तर प्रदेश से। उस उत्तर प्रदेश में 55 सीटों की जगह 73 सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं तो ये चिंता का विषय रहेगा। दूसरी बात यह है कि बिहार में लेकिन उन्होंने देख लिया है कि उस भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है जो इतने भारी बहुमत से लोकसभा में जीती थी। मोदी लहर का असर तो कम हुआ ही हुआ है, वोटों का जो बंटवारा अलग अलग संप्रदायों और जातियों के बीच में हो रहा था उसका भी एक नया सोशल इंजीनियरिंग का गणित सभी पार्टियां तैयार करने में लगी है। मुलायम सिंह यादव की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी लगातार माना गया है कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम तुष्टिकरण ज्यादा किया है। उनके पास आजम खान जैसे नेता और मंत्री भी हैं जो लगातार इस तरह के बयान देते हैं जिसमें मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो जाए। देखिए, वहां पर हम जैसे देखते हैं कि लगभग 34% तो ओबीसी का वोट है और उसके अलावा जो एससी का वोट है वो 20% है, तो ये एक बड़ा वोट प्रतिशत है जो मायावती के पक्ष में हमेशा तैयार खड़ा रहता है। अब इसके अलावा जो ब्राह्मणों का थोड़ा बहुत 7.5% का वोट है और दूसरे जो छोटे मोटे वोट है उनको मिलाकर ध्रुवीकरण, क्योंकि मुस्लिम वोट है 18%, अब वो सारा का सारा तो मुलायम सिंह यादव को मिलने से रहा, तो इसलिए अब उनकी कोशिश है कि वो अपने वोट बैंक को किस तरीके से लुभाएं। इसलिए 25 साल बाद उनको शायद इस बात का अफसोस हो रहा है कि कार सेवकों पर उन्होंने गोली चलाने का आदेश क्यों दिया था, जिसमें कि घोषित तौर पर 16 कार सेवक मारे गए थे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों का दावा था कि इससे ज्यादा लोगों की मौत उस गोलीबारी में हुई थी। मुलायम सिंह को मुलायम भी कहा जाता है, ऐसे में क्या लगता है कि वे मुस्लिम समर्थक छवि से बाहर आना चाहते हैं? देखिए, मुस्लिम वोट को बनाए रखते हुए कैसे वो हिंदू वोट को जोड़ें, मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी की इस वक्त सत्ता में बने रहने की सबसे बड़ी चुनौती है। जो मायावती का वोटर है, जो पिछले चुनाव में थोड़ा उनसे खिसका भी था, तो हमें ये पता है कि परिवर्तन हो रहा है और 5 साल बाद फिर परिवर्तन होता है तो वो वोटर फिर से मायावती की तरफ जाएगा। कुछ वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी उसको लुभाने में कामयाब हो जाएगी, तो इसमें कमजोर स्थिति समाजवादी पार्टी की दिखाई देती है। तो कैसे वो अपने मुस्लिम वोटर को साथ में बनाए रखते हुए हिंदू वोटरों को जोड़े, इस दिशा में चलाए गए तीर है, ये तीर निशाने पे लगेगा कि नहीं, ये तो निश्चित तौर पर चुनाव के समय पता लगेगा। लेकिन जहां एक तरफ मंदिर निर्माण की तारीखों की घोषणा और मंदिर निर्माण की कवायदें जोर पकड़ रही हैं, वहीं मुलायम का ये बयान आ रहा है, तो इससे पता लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं। भाजपा ने मुलायम सिंह यादव के इस बयान को पाखंड बताया है। दूसरे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए संगठनों के मंदिर निर्माण की घोषणा को पाखंड बताया है। अब इस तरह की बयानबाजी की हमें आदत हो जाना चाहिए। खास तौर पर दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बिहार के चुनाव में हमने बयानबाजी का जो स्तर देखा है, जिस तरीके से आखिरी समय में गाय के बछड़ों के फोटो छापकर विज्ञापन दिए गए और वोटों का जाति और धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिशें हुई, जिस तरह की लामबंदी हुई, उसको देखते हुए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश एक ज्यादा बड़ा अखाड़ा है। उत्तर प्रदेश में जो जातीय गणित है वो थोड़े बहुत अलग तरीके से बटे हुए हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश अपने आप में इस मामले में जमीनी तौर पर बिल्कुल अलग हैं। और ये भी देखा है कि बड़ी बड़ी मजबूत पार्टियों मोदी की लहर में किस तरीके से हाशिए पर चली गई और केवल परिवार के लोग जीत पाए, उसके अलावा सारी पार्टियां मिलकर जीत नहीं पाई। भारतीय जनता पार्टी की लहर चली, लेकिन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार भी मिली है। योगी आदित्यनाथ जैसों के बयान ने उत्तर प्रदेश के कुछ उपचुनाव में बहुत तकलीफ भी पहुंचाई है। इन सब चुनौतियों के बीच ये हिंदू मुस्लिम का खेल अब लगता है कि राजनीति की आंच कुछ ज्यादा पकेगी इसके आसपास, और तकलीफ ज्यादा तब होगी जब इसके आधार पर जमीनी स्तर पर कुछ ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश न की जाए जिससे सांप्रदायिक जो तनाव का माहौल है वो पैदा हो। यदि भी बयानों से अलग हटके अगर देखें तो क्या लगता है कि लोकसभा का इतिहास जो है विधानसभा में भी दोहराया जाएगा?
ये मुश्किल लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार मुझे वहां जमीन पर घूमने और वोटरों से बात करने का मौका मिला था। वहां का जो वोटर है उसका मानस बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी हम लोकसभा चुनाव के लिए वोट दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवार खड़ा होगा उसको वोट देंगे। उनका मन बिल्कुल साफ था। बनारस की गलियों में जब घूमे तो मोदी जी के वहां खड़े होने का गर्व तो था, लेकिन उनको यह भी पता था कि भारतीय जनता पार्टी अगर जीत कर आ रही है तो हमारे यहां से भी उसी का उम्मीदवार रहेगा तो हमें फायदा मिलेगा। तो आज का वोटर बहुत परिपक्व है। बिहार ने भी यही साबित किया है। बिहार में जो जबरदस्त जीत नीतीश कुमार की और लालू यादव के गठबंधन की हुई है उसने भी यही बताया है कि वही बिहार का वोटर जिसने बिहार में लोकसभा चुनाव में इतना जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को दिलवाई थी कि भारतीय जनता पार्टी जो लगभग मृतप्राय सी हो रखी थी और भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के गठबंधन के सहारे चलकर आगे बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये भी बहुत सारे सवाल वहां पर खड़े हुए थे। लेकिन बिहार के विधानसभा चुनाव ने बता दिया कि लोकसभा में वोट करने की जो सोच है वो अलग है, क्योंकि गठबंधन टूट चुका था। नीतीश कुमार निर्णय ले चुके थे कि उनको एनडीए के साथ खड़े नहीं रहना है। वो उस निर्णय के बाद औंधे मुंह गिरे थे, उनको राजनीतिक वनवास तक लेना पड़ा था, लेकिन उसी राजनीतिक वनवास से उनकी जबरदस्त वापसी हुई। तो ये भारतीय लोकतंत्र की और मतदाता की सोच की ताकत है कि वो किसी भी निर्णय को अंतिम नहीं होने देते। उसी तरह उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनावों से निश्चित तौर पर जो हमने दिल्ली में देखा, दिल्ली में आप देखिए इतनी जबरदस्त जीत लोकसभा में मिली भारतीय जनता पार्टी को। आप पूरे सातों वहां से सांसद जीता के ले आते हैं, लेकिन आप विधानसभा चुनाव में 67 सीटों पर हार जाते हैं। तो 67 सीटों पर अगर आम आदमी पार्टी चुनाव जीत सकती है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणाम भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। अब ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो भारतीय राजनीति में बड़े से बड़े पंडित भी पहले से नहीं बता पाए। बिहार में भी बहुत सारे लोगों ने कहा कांटे का मुकाबला, इतनी आएंगी ये आएंगी सीटें। कुछ चुनावी सर्वेक्षण अगर दिखा भी रहे थे राजद की और नीतीश गठबंधन की बड़ी जीत, तो लोगों को उस पर सहसा यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब सचमुच परिणाम आए तो बहुत चौंकाया। उत्तर प्रदेश में भी अब जो मुद्दे आएंगे, विकास का मुद्दा हावी होगा, धर्म का मुद्दा हावी होगा, मंदिर का मुद्दा हावी होगा, जाति का मुद्दा हावी होगा। कार सेवकों पर जो गोली चलाई उस पर माफी 25 साल बाद मांगना कुछ फायदा पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा बड़ा सवाल है। लेकिन निश्चित तौर पर यह तो नहीं माना जा सकता कि मुलायम सिंह यादव को कोई सपना आया, कोई दिव्य स्मृति हुई, कोई ईश्वरीय ऐसा एहसास हुआ कि उनको अचानक लगने लगा कि उन्होंने गलत निर्णय लिया था। निश्चित तौर पर इसको चुनावी बयान ही माना जा सकता है। धन्यवाद जयदीप जी। हम चर्चा कर रहे थे मुलायम सिंह यादव के बयान की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।